पार्टियां ने मेरे खिलाफ भद्दे ओछे बयान दिए थे। उन्होंने बोला था लाइव डिबेट पे कि मैं आपको छेड़ूंगा। उसके खिलाफ आज मैं यहाँ पे निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराने आई थी, लेकिन अमित शाह जी की पुलिस को अमित शाह जी की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि उनकी पार्टी के कोई भी प्रवक्ता, कोई भी कार्यकर्ता महिलाओं के खिलाफ कुछ भी बोले, कुछ भी करे, तो उनकी पुलिस कंप्लेंट तक रजिस्टर नहीं करेगी। FIR की तो बात ही दूर रही। भाजपा ने इतने लफंटर फितरत वाले प्रवक्ता तैयार कर लिए हैं कि अब उन्हें बचाने के लिए अमित शाह की पुलिस को आगे आना पड़ रहा है। वैसे तो पुलिस कहीं की भी हो, काम उसका लोगों की हिफाजत करना है, लेकिन दिल्ली की पुलिस के लिए वो नागरिक ज्यादा मायने रखते हैं जिनका जुड़ाव भाजपा से हो। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कह रही है आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता। अब ऐसा वो क्यों कह रही हैं, हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले खबर ये है कि आम आदमी पार्टी ने ये दावा किया है कि केंद्र सरकार के अंदर आने वाली दिल्ली पुलिस बीजेपी नेताओं, प्रवक्ताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज नहीं करती है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूँ आपके साथ सुम्बुलीरम। तो मामला ये है कि हाल ही में एक डिबेट कार्यक्रम में जब बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता आमने सामने आए, तो बीजेपी प्रवक्ता ने भाजपाई बुद्धि का परिचय देते हुए कुछ ऐसा विवादास्पद कह दिया कि रीना गुप्ता बीजेपी के भाटिया के खिलाफ शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंच गई। लेकिन शिकायत दर्ज कराने पहुंची रीना ने आरोप लगाया कि उनकी बात के आधार पर FIR दर्ज करना तो दूर, दिल्ली पुलिस ने एक शिकायत तक अंकित नहीं की। रीना ने साफ साफ इल्जाम लगाया कि दिल्ली पुलिस ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे स्पष्ट निर्देश है केंद्र सरकार और अमित शाह से कि कोई भी भाजपा नेता, प्रवक्ता या फिर कार्यकर्ता के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाएगी, भले ही मामला महिलाओं के साथ गलत व्यवहार से ही जुड़ा क्यों ना हो। दिल्ली पुलिस को अमित शाह की पुलिस बताते हुए रीना गुप्ता ने कहा कि भाटिया के खिलाफ जो शिकायत वो दर्ज करवाना चाहती थी उसे लिखने से दिल्ली पुलिस ने साफ मना कर दिया और यही कारण है कि अब आम आदमी पार्टी ने फ्रंट फुट पर बैटिंग भी करनी शुरू कर दी है और रीना गुप्ता को आगे कर दिया है। फिर जब मैं इनको छेड़ूंगा, मैं सबको तो बोल रहा हूँ, लास्ट 30 से देखिए, समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता इतनी आग बबूला क्यों है और आखिर बात FIR तक पहुंची कैसे। तो हुआ यूं कि रिपब्लिक मीडिया की तरफ से हर शाम जो फाइटिंग मैच आयोजित किया जाता है उसमें अपनी अपनी पार्टी की बात रखने ये दोनों प्रवक्ता पहुंचे थे और इसी क्रम में जब रीना गुप्ता अपनी बात रख रही थी तभी कुतर्कों के लिए जानी जाने वाली बीजेपी के प्रवक्ता भाटिया ने रीना गुप्ता के साथ टोकाटाकी शुरू की और जब चुप नहीं करा सके तो कह दिया कि अब मैं आपको छेड़ूंगा। यही एक शब्द छेड़ूंगा ही भाटिया के लिए काल बना हुआ है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि आखिर कोई भी कैसे किसी लाइव शो में बैठकर किसी भी महिला के साथ ऐसी ओछी हरकत कर सकता है। रीना गुप्ता अलग इस बात पर भड़क गई कि लाइव शो में ही आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद प्रवक्ता ने ना केवल इसे हल्के में लिया बल्कि ये भी कहा कि उसे इस शब्द में कुछ भी गलत नहीं लगता है और इसलिए वो माफी नहीं मांगेगा। मतलब जो बात एक पल के लिए भूल कही जा सकती थी वो भाटिया के इस बात के बाद तुरंत ही उसकी सोची समझी छेड़खानी बन गई और अब इसी छेड़खानी पर आम आदमी पार्टी बीजेपी और भाटिया को घेर रही है और कह रही है कि दिल्ली पुलिस जो कि अमित शाह के अधीन है वो उनकी शिकायत तक को तवज्जो नहीं दे रही है। तो आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा में भाटिया को लेकर ये जो अमित शाह की पुलिस पर सवाल उठे हैं उस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारी फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।